जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सामेल 24 अध्याय और उसकी 5वीं आयत मैं पढ़ूंगा। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे को चीर काटने से पछताया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। दाऊद के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु जी, आप ही सहायता और मदद करें। जो सुने उनके जीवन में प्रभु जी एंकरेज करें, जो सुने प्रभु जी उनके जीवन में उद्धार दे प्रभु जी, और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए मेरी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सामेल 24 अध्याय और मैंने वचन पढ़ा है 5। आज हम 24 अध्याय पूरा ध्यान करने वाले हैं, मगर मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक वचन पढ़ा है, 5वीं आयत। उसमें लिखा हुआ है, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की चोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषेक है, ऐसा काम करूं, उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दाविद पछता रहा है। किस चीज़ के लिए पछता रहा है? क्योंकि शाऊल के कपड़े की कोनी को उसने काट लिया था और कह रहा था कि मैंने एक परमेश्वर के अभिषेक किए हुए के ऊपर मैंने उसके कपड़े को काटा है। हे भाई और बहनों, दाविद इतना परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोगों की वो इतनी इज्जत किया करता था, इस वचन से हमें पता चलता है। हे भाई और बहनों, ये सब क्यों हुआ और कैसा हुआ? और हम जानते हैं कि दाविद ने कीला नाम देश को बचाया था, लेकिन दाऊद शाऊल को पता चल गया कि कीला नाम में दाविद रह रहा है, उन लोगों को इसने बचाया है। जब मालूम हुआ शाऊल को, तो शाऊल अपनी सेना लेके वहाँ पे निकल गया था दाविद को पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे परमेश्वर ने दाविद को भी बताया, और दाविद को भी जब पता चला कि शाऊल मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने उस देश को छोड़ के चुपचाप फिर से वो जंगलों की तरफ चले गया और वहाँ यहाँ करके अपने साथियों के साथ वो रहने लग गया। और फिर ऐसे ही दिन और दिन जो है बीतते गए, और कई लोगों ने कोशिश की दाविद के बारे में बताने के लिए शाऊल को, और शाऊल को कई लोगों ने बता भी दिया कि दाविद वहाँ पे छुपा है। जब जब शाऊल को ये बात का पता चलता था, तब तब शाऊल जो है उसका पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाता था। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा दाविद की रक्षा की, उसे शाऊल के हाथों में कभी पड़ने नहीं दिया। हे भाई और बहनों, और फिर ऐसे ही एक दिन जिस गुफा में जो था दाविद रहता था, जिस गुफा में जो था दाविद के साथी रहते थे, वहाँ पे शाऊल भी अपने 3000 सैनिकों को लेके, उसने भी अपने सैनिकों को तैयार किया। लगभग 3000 लोग थे कि दाविद को जाके मैं पकड़ूंगा और उसे मारूंगा। जैसे जैसे वो चलते गए, धूप कड़ी पड़ती रही, और जाके एक गुफा में जाके आराम करने के लिए शाऊल और शाऊल के 3000 लोग जो थे वहाँ पे चले गए गुफा के अंदर। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जिस गुफा में शाऊल गया था आराम करने के लिए, उससे पहले ही
दाविद भी और दाविद के साथी भी उसी गुफा में थे। हे भाई और बहनों, इस बात का शाउल के लोगों को और शाउल को इस बात का पता नहीं था कि इसी गुफा में जो है दाविद भी छुपा हुआ है। हे भाई और बहनों, मगर दाविद को और दाविद के लोगों को, उसके लोगों को पता चल गया था कि शाउल अपनी सेना के साथ यहाँ पे अब छुपा हुआ है। हे भाई और बहनों, फिर दाविद के सैनिकों ने कहा कि दाविद, आज वो दिन है परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है, परमेश्वर ने ये दिन जो है तुम्हारे लिए बनाया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि तुम्हारे शत्रुओं को वो तुम्हारे पांव के तले कर देगा। आज सबसे बड़ा शत्रु जो शाउल है वो भी इसी गुफा में है, मगर उसे पता नहीं है कि दाविद भी इसी गुफा में है। चलो आराम कर रहा है, चलो जाके उसे मार देते हैं। दाविद को, शाउल को, दाविद को लोग कहने लग गए, उसके साथी कहने लग गए कि आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे सामने रखा है और उसे पता भी नहीं है। मगर दाविद ने, भाई और बहनों, दाविद ने उन सब को डांटा। उसने कहा कि नहीं, हम शाउल के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही मैं शाउल के ऊपर हाथ किसी को उठाने दूंगा। हम लोग छुपके से इस गुफा में से बाहर निकल जाएंगे। मगर जाते जाते दाविद ने जो शाउल ने कपड़े पहने थे, उस कपड़े की एक छोटे से कपड़े को उसने काट लिया, यानी कि एक टुकड़े को उसने काट लिया और वो लेके चले गया। हे भाई और बहनों, फिर शाउल को इस बात का पता नहीं था, लेकिन दाविद ने उसके कपड़े की छोटी सी कोने को काट लिया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन आज हमारे पास पहुंचा है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब से बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज हम सब से एक सवाल परमेश्वर पूछ रहा है। अगर आपके शत्रु, जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो सबसे मुश्किल हालात में भी आपका साथ कभी नहीं देता है, जो आपको हमेशा धोखा ही देते रहता है, हे भाई और बहनों, अगर वो आपके वश में आ जाएगा तो आप क्या करोगे? हे भाई और बहनों, दाविद का शत्रु सबसे बड़ा जो था, पलिस्ती नहीं थे, अन्य जाति के लोग नहीं थे, उसकी अपने ही उसका अपना ही राजा और उसका अपना ही ससुर और उसके अपने ही लोग, जो राजा था शाउल था, दाविद का सबसे बड़ा दुश्मन। हे भाई और बहनों, इस बात का दाविद को पता था कि यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये चांस मेरे पास है, मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन उसने अपना हाथ शाउल के ऊपर नहीं उठाया। हे भाई और बहनों, जब शत्रु हमारे हाथों में, हमारे कब्जे में, हमारे नीचे जब आ जाते हैं, तो कई लोग हमें, आसपास के लोग हमें आइडिया देते हैं, इसे छोड़ना मत, इतने दिन से घूम रहा था और बड़ा ही घमंड कर रहा था कि मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई सहायक हो या ना हो, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करके बड़ा ही घमंड करता था। लेकिन देखो, आज ये तेरे पैरों के नीचे आ गया, आज ये तुझसे सहायता मांगने के लिए आ गया, चल अपना हाथ उठा और इससे बदला ले। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो होते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, हमेशा हमें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ावा देते हैं कि ये काम करो, इससे बदला लो, और बदले की घड़ी जो है अब आ पहुंची है। हे भाई और बहनों, हो सकता है आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया हो, हो सकता है किसी ने आपको मारने की कोशिश की हो सकता है किसी ने आपको लूटा
हो सकता है किसी ने आपको बदनाम किया हो, हे भाई और बहनों, हो सकता है कोई इंसान है जो बहुत ही घमंड के साथ रहता है, हे भाई और बहनों, हो सकता है कि ऐसे आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां आपने देखी भी होंगी, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसे आपके पास आना पड़ेगा। जब वो आपके पास आएगा तो सब लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके विश्वासी, आपके घर वाले, कई लोग आपको ये आइडिया देंगे, चल उसको अब सबक सिखा, चल अब उसकी हानि कर, चल अब उसे बदनाम कर, चल अब आके उसे मजा चका। हे भाई और बहनों, ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर का डर भय रखते हैं, वो लोग तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हे भाई और बहनों, दाविद का जो शत्रु था, शाऊल था, शाऊल उसके हाथों में था, उसके कब्जे में था, तलवार उसके हाथ में थी, लेकिन उसने, दाविद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसे मारना भी नहीं चाहा। हे भाई और बहनों, क्यों उसे मारना नहीं चाहा? क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय में रहता था। हे भाई और बहनों, उसने उसके कपड़े की कोनी को काट लिया शाऊल की, और उस वहाँ से चुपचाप चले गया। हे भाई और बहनों, थोड़ी सी दूर जाने के बाद में दाविद उसे बुलाता है, हे राजा शाऊल, हे राजा शाऊल। जब ये बात शाऊल को ने सुनी तो शाऊल उसे पूछता है, हे मेरे बेटा दाविद, क्या ये तेरे बोल है, तू है जो मुझे बोल रहा है? हाँ, मैं हूँ, दाविद करके उसे बताता है। दाविद बोलता है कि एक बार अपने कपड़े की कोनी को देख ले। जब शाऊल ने अपने कपड़े की कोनी को देखा तो वो कटी हुई थी, और वो कटी हुई कोनी जो थी दाविद के हाथों में थी। दाविद वो कोनी को दिखा के शाऊल से कह रहा है कि देखो, आज परमेश्वर ने मुझे तुझे मेरे हाथों में कर दिया था। मैं चाहे तो तुझको मार सकता था, मैं चाहे तो तुझे घायल भी कर सकता था, मैं चाहे तो तुझे हमेशा के लिए सुला सकता था। आज मेरे परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया था, लेकिन मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। मेरे लोगों ने भी मुझे कहा तुझे मारने के लिए, और जो अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता, लेकिन मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। हे राजा, मेरी गलती क्या है? दाविद उसे पूछ रहा है, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है? मैं तो परमेश्वर का डर और भय के साथ जीता हूँ और तेरी इतनी इज्जत करता हूँ, लेकिन तू जो है लोगों की बातों को मानता है, लोग जो कहते हैं वो तो सुनता है। लोगों ने कहा कि शाऊल को मार दे, कहीं वो राजा ना बन जाए। लोगों ने कहा कि दाविद वहाँ पे छुपा है, और उनकी बातों को सुन के मेरे पीछे आ गया। लोगों ने कहा कि दाविद को मार दे, तूने मुझे मारने की कोशिश की। लोगों ने तुझे सिखाया, अगर उसे नहीं मारेगा तो एक ना एक दिन दाविद राजा बन जाएगा। तूने लोगों की बातों को सुन के मेरे ऊपर गुस्सा रख लिया, तूने लोगों की बातों को सुन के वो मेरे ऊपर तूने बदला लेने की कोशिश की, मुझे मार देने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन जो है ऐसा नहीं है। मैं तो परमेश्वर का डर और भय मानता हूँ, और आपकी भी मैं शाऊल से कहता है कि मैं इज्जत करता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज चाहे तो मैं तुझे मार सकता हूँ। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद दाऊद शाऊल का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा काटने के बाद में वो पछताया। वो इसलिए पछताया क्योंकि शाऊल को जो था परमेश्वर ने अभिषेक किया था, क्योंकि वो अभिषेक व्यक्ति था, और इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के अभिषेक के मैंने कपड़े की कोनी को काट दिया करके वो दाविद जो था पछता रहा था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कई लोग
हमारे चर्चों में कई लोग अभिषेक किए जाते हैं, कई लोग परमेश्वर के काम करते हैं, कई लोग परमेश्वर के काम को ऊंचा लेके जाते हैं, लेकिन भाई और बहनों कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग जो अभिषेक किए हुए लोग होते हैं उसकी हानि करने की कोशिश करते हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसे मार देने की कोशिश करते हैं, उसे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं और उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। हमें तो किसी चीज़ का डर भी नहीं रहता है, ये तो परमेश्वर का दास है, इसे परमेश्वर ने चुना है, ये तो परमेश्वर का अभिषेक है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्या आप परमेश्वर के अभिषेक, जब आपके सामने जिसे परमेश्वर ने चुना है, जो वो आपके सामने आता है, तो क्या आप उसकी इज्जत कर रहे हो या तो उसकी हानि करने की कोशिश कर रहे हो। हे भाई और बहनों, दाविद तो शाऊल का कपड़ा काट के पछताया कि मैंने उसे कपड़ा क्यों काट दिया, वो तो परमेश्वर का अभिषेक था। हे भाई और बहनों, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा, शाऊल का कपड़ा काट दिया तो क्या हुआ, शाऊल को मार देना चाहिए था, वो कौन सा अच्छा आदमी था, परमेश्वर की बात को नहीं मानता था, परमेश्वर की इज्जत भी नहीं करता था, परमेश्वर की आत्मा ही उसे छोड़ के चले गई, तुझे हाथ उठाने में क्या जाता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर कोई अभिषेक व्यक्ति अगर परमेश्वर का काम करता है, या वो गलत कर रहा है, या बुरा कर रहा है, या पाप कर रहा है, या कुछ भी करता हो, हे भाई और बहनों, आपको और मुझको अधिकार नहीं है कि उसके बारे में कुछ बोले, उसके बारे में कुछ गलत कहें, उसका या नुकसान करें। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे चुना है, उस जगह पे खड़ा किया है, परमेश्वर ने उसे एक काम दिया है, अगर वो भरोसे के साथ काम करता है तो परमेश्वर उसे आशीष देगा, अगर वो भरोसे के साथ काम नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी से कर रहा है, तो भाई और बहनों, आपको उसको सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसे बदनाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि उसे मैंने खड़ा किया है, अगर वो ठीक रीति से परमेश्वर का काम करेगा तो परमेश्वर उसे आशीष देगा, अगर वो परमेश्वर का काम सदा से नहीं करेगा, सीधा से नहीं करेगा, तो परमेश्वर खुद ही उसे सजा देगा। हे भाई और बहनों, जब हेजकेल की किताब को हम 34 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने इन्हें तुम्हें सौंपा है, मैंने ये भेड़ बकरियों को तुम्हें सौंपा है, अगर तुम इसकी रखवाली करोगे, सही रीति से, सही ढंग से इसे चलाओगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो भेड़ों को मैंने तुम्हें दिया है इसे तुम्हें सही चलाना है, अगर ये भेड़ों को तुम अगर सही नहीं चला पाते हो तो भाई और बहनों, द वचन में लिखा हुआ है तो चरवाहे से परमेश्वर कह रहा है उन भेड़ों को मैं उससे ले लूँगा और किसी और के हाथों में सौंप दूंगा। हे भाई और बहनों, ये जो है परमेश्वर जो है उनके जीवन में करता है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के अभिषेक लोगों की इज्जत करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के अभिषेक लोगों का आदर करना चाहिए, चाहे वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसके बारे में देखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ परमेश्वर के ऊपर नज़र रखना, परमेश्वर के वचन की तरफ देखना। हे भाई और बहनों, क्या आपका और मेरा जीवन कैसा है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे एक सवाल कर रहा है, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, आप और मैं कैसे रह रहे हैं। हे भाई और बहनों, हम कभी कभी परमेश्वर के दासों का नुकसान कर देते हैं, कभी कभी उन्हें बदनाम कर देते हैं, जब वो नहीं होते उनके खिलाफ जाके हम बात करते हैं, उनके बारे में गलत कहते हैं। हे भाई और बहनों, ये सब बड़े ही आराम से करते हैं और फिर हम पश्चाताप भी नहीं करते हैं, हमने ऐसा कर दिया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दाविद कह रहा है, दाविद के बारे में लिखा हुआ है कि
कि शाऊल का कपड़ा काटने से भी वो पछताया। दाविद का मन जो था परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ उठाने का नहीं था, वो तो उसके ऊपर हाथ उठा ही नहीं सकता था। शाऊल ने कितना नुकसान किया दाविद का, शाऊल ने कितना नुकसान किया दाविद का, उसे देश से बाहर निकाल दिया, उसको कोई ही का नहीं छोड़ा, उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी वजह से उसे जंगलों में रहना पड़ा। लेकिन फिर भी उसने दया दिखाई, परमेश्वर ने शाऊल को दाविद के हाथों में भी सौंप दिया, लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। उसने अपने लोगों को भी समझाया कि हमें परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, मेरा पलटा जो है परमेश्वर लेगा। हे भाई और बहनों, जब ये बात का शाऊल को पता लगा कि दाविद ने मुझे उसके वश में था, लेकिन फिर भी मुझे उसने छोड़ दिया, मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तो शाऊल उसके बारे में बोल रहा है, मेरा बेटा तू कितना अच्छा है, इससे मुझे पता चलता है कि तू ही अब अगला राजा बनेगा, तू ही इज़राइल का अगला राजा होगा, तू ही है जो सारी इसराइलियों को चलाने वाला होगा, तेरे से अच्छा कोई राजा बन ही नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दे, तूने मेरे साथ आज भलाई की, अच्छाई की, लेकिन मैंने हमेशा तेरे साथ बुराई की, आज के बाद मैं तेरे पर हाथ कभी भी नहीं उठाऊंगा, मैं वापस चले जाऊंगा अपने घर। शाऊल ये बातें जो है दाऊद से कहता है। हे भाई और बहनों, दाविद घुटने टेक के शाऊल के सामने रो रहा है, उसे कह रहा है कि मैंने हमेशा आपकी इज्जत की। शाऊल को कह रहा है, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे ससुर हैं, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हैं, मैं आपके ऊपर भला कैसा हाथ उठा सकता हूँ, मैं भला आपके हानि करने के बारे में भी कैसा सोच सकता हूँ, मैं अगर ऐसा सोचूंगा तो मेरे लिए पाप होगा, अगर कोई मुझे आके सिखाएगा आपको मारने के लिए तो मैं कभी भी नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा उनकी, क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो, इसलिए मैं आपकी हानि नहीं कर सकता। हे भाई और बहनों, आज का वचन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आप और मैं कैसे हैं, और आप मैं और मैं कैसे जी रहे हैं, जब हमारे शत्रु हमारे हाथों में होते हैं, जब हमारे शत्रु हमारे पैरों के नीचे होते हैं, क्या हम उन्हें पैरों से दबाते हैं, नुकसान करते हैं, या उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, या बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या तो उसे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, शाऊल को परमेश्वर ने दाविद के हाथों में सौंपा, लेकिन दाविद ने उसको हानि नहीं की, उसे छोड़ दिया, उसके कपड़ा की कोनी को काटने के बाद में भी दाविद पछताया। हे भाई और बहनों, आज हम लोग अभिषेक किए हुए लोगों का नाम खराब करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनकी गवाही खराब करते हैं, और उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं, और हमें पश्चाताप भी नहीं होता है और ना ही डर परमेश्वर का होता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ उठाना यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर हाथ उठाना, चाहे वो चुना हुआ कैसा भी क्यों ना हो, वो पलटा परमेश्वर लेगा, आपका और मेरा काम नहीं है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम लोग कैसा जी रहे हैं, हम अपने शत्रुओं को माफ कर रहे हैं, हम क्या उन्हें माफ कर पाते हैं। आज परमेश्वर हमसे इस वचन से एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुओं को सता रहे हो, मार रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ बात कर रहा है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, माफ़ी मांगिए, प्रभु जी मुझे मौका मिला मेरे शत्रु के ऊपर उसे माफ़ करने का, लेकिन मैंने उससे बदला लिया, मुझे क्षमा करें, मुझे दाविद के जैसा स्वभाव दे, प्रभु जी आपके अभिषेक को मैंने बदनाम किया, उसे मारा और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया, उसके बारे में मैंने कई बातें कही, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दाविद के जैसा स्वभाव दे कि मैं अभिषेक के लोगों की इज्जत करूँ, चाहे वो
कैसे भी हो पलटा लेना तो आपका काम है। अगर परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करता है तो परमेश्वर के सामने आके माफ़ी मांगिए, घुटने टेकिए। जैसा परमेश्वर ने दाऊद का साथ दिया वैसा ही वो आपका भी देगा, आपको भी हर मुश्किल से वो बाहर निकालेगा, क्योंकि जो दाऊद का परमेश्वर था वही आज हमारा भी परमेश्वर है। दाऊद ने अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाया, शाऊल के ऊपर, चाहे वो उसका नुकसान करे या कुछ भी करे, उसने कहा ये परमेश्वर का चुना हुआ, ये तो अभिषेक है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हे भाई और बहनों, ऐसा मन जो है आपको और मुझको, हम सबको दे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे, 100 गुना फल लाने की सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।